cara shera valida bol sanche darbar ke वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमस्ते
इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं, सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान शर्काय महापूजा क्रियते या जवाजिगे
तस्यामहात्म्यं श्रुत्वा भक्ते समन्वितः सर्वमाचार्यैर्मुक्तधनधान्यान्वितः मनुष्यावत्प्रसादेन भविष्यतेन सञ्चयः श्रुत्वामहात्म्यं तदा चोत्पत्त्या पराक्रमं जयते नरपयापमान् कल्याणमध्यते नन्दकुलं माहात्म्यं मम शङ्कलाम् शान्तिकरणानि सर्वत्र स्वप्नदर्शने ग्रहपीडासुजोग्रासो माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गः शमं जाते ग्रहपीडाश्च धारणा गोस्वप्नं च निर्देशं स्वप्नमव जायते विभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातरेणमुत्तमम् धर्मितानां शेषाणां बलहानेकरं बलम् रक्षोदपिशाचाणां पणनादेवनाशनम् सर्वमवेदन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पायधूपे च गन्धमेवे सुवर्तमे पापानि तदारोग्यं प्रयच्छति रक्षां जायते यस्माभिच ब्रह्मजले कदा ब्रह्मणा च किदा प्रयच्छन्ते शुभामते अरण्ये सादरे वाभिधावाणे परिवारितः कस्मेदाभिधाशून्य गृहे स्वापि शत्रुभिः शङ्खव्याघ्राणि यातो वापणे वावनहस्तिभिः राज्ञाक्रुद्धेन याज्ञप्तो भज्यबन्धगतोऽपिव आधूनितो वादेन पोते महानवे पदसुजाभिषर्जेषु सङ्ग्रामे विशदाने सर्वापादासु घोरासु वेदनाभ्यासितोऽपि मा समरणमे सर्जयितं नुरमुज्जेत सङ्कटात् मम ब्रुवावासिंहाजादस्य वो वैरिणस्तदा ऋषिरवाच हेतुकाथा भगवते चण्डिका चण्डविक्रमा पशुरामेव देवानां सत्ये वासरीयत हे देवानि आतङ्का स्वाधिकाराजिला पुरा यज्ञवागविहासय चक्रविनिहतार्यः दैत्याच देव्याने देशं देवलपो यदि यज्ञविध्वंसने तस्मै महाघ्रेतरविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमायेयुः एवं भगवती देवे सानित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तैतन्मोयते विश्वं सेव विश्वं प्रजोयते साक्षाचिदाचरे ज्ञानं दुष्टारेत्यं प्रयच्छति व्यासं दयत सकलं ब्रह्माण मर्येश्वर महाकाले महाकाले महामारे सर्वपया शैवकाले महामारे सर्वशेषवत्या श्रीङ्करोति भूतानां देवकाले सनातने भवकाले निरां देव लक्ष्मे वृद्धे प्रलागे वेदाभावे तुरा लक्ष्मे विनाशायोपजायते सम्बोधिता पुष्पे धूपगन्धादिविस्तुराम् ददाति वित्तं पुत्रा च पतिं धर्मे गतिं शुभा अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिववाच शिवदेवे प्रवच्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डे लाभः शुभो भवेत् नागवचं नागलासोतं कीलकं न रहस्यकम् नासोतं नापि जानं जनासो न च वाचनम् कुञ्जिकापादपात्रेण दुर्गापादफलं लभेत् हरे गुह्यतरं देवे देवानामविदुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनेयम पार्वती मारणं मोहनं वशं सम्बलो जाननादिकम्
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ॐ गं हं क्लीं जं सा ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ज्वल हं सं लं जं वत्सा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मदमदने नमः कैलवारिण्य नमस्ते महिषादने नमस्ते शुम्भन्त्रे च निशुम्भसुरघातने जागरणे महादेवे जपं सिद्धिं कदर्शमे ऐकारि शिशिरूपाय ऋकारि प्रतिपालिका ऋकारि कामरूपिण्य बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डकाबीज ऐकारि वरदायिनि विच्छेदावधानित्यं नमस्ते मञ्जरोपणि गान्धीं सौं दुर्जने पद्मे गान्धीं सौं मागधीशणि गान्धीं सौं कालिकादेवे शां शें सौमे शुभङ्कर हुं हुं हुङ्काररूपिणे जं 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 भराधने ब्राह्मीं सौं मेनुरीभद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्गं जं 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 वन्यं जं वेदं हैविहं जं धियागं धियागं त्रोडे त्रोडे धेतं गुरुगु स्वाहा पां मे मों मारुते पूर्णा खाङ्गे खोङ्गे जले तदा सां सों सप्त जले नेभ्यः मञ्जसिद्धिं करशमे हेदं दुर्गञ्जिघा स्वाचं मन्त्रयागर्जिहेतले अभक्तेरेव दातव्यं गोपिदं रक्षपार्वती यस्तुर्गञ्जिकया देवीं हीनां सप्तशतीं वदेत् नादस्य जायते सिद्धिम् अरण्ये रोदनं यथा ओ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती। श्री दुर्गा आपदुद्धारा सुगम नमस्ते शरण्यशिवे नमस्ते जगद्व्यापिकेवेश्वरोऽपि नमस्ते जगद्वन्दबाधारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणे। जगत्तारे नेत्राहि दुर्गे अनाथ सदेन सदृशा दुरस्य मया दर्शभेन सबद्ध जयन्त त्वमेका गते देवनेतारगणे नमस्ते जगत्तारे नेत्राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले सङ्कटे राजगेहे प्रभाते त्वमेकागदे देवने सारहेतु नमस्ते जगत्तारिणे ताहि दुर्गे अपारे महालोचरे चन्द्रगौरे नमस्ते जगत्तारिणे ताहि दुर्गे
स्तोत्र जय भगवती देवी नमो जय Bye.
श्रद्धालु भक्त जन तीन बार ओंकार अक्षर का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पद्ममय स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं
मनोकामना को पूर्ण करो। ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन 3 बार एक साथ ओंकार अक्षर का नाद कीजिएगा। ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्थ मात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही, जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना। ते सम्मता यणपदेशु धनानि तेषां तेषां जठांसि नर्त सेति धर्मवर्गा धन्यास्त एव निपितात्म वित्त धारा येषां सदा भदयदा भवति प्रसन्ना। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली माँ आप जन पर प्रसन्न रहती हैं, यही देश में सम्मानित हैं, उन्हीं को धन और जश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भित्तों के साथ धन्य माने जाते हैं। धर्मयाणी देवी सकलानी सदैव कर्मा नतादा प्रतिदिन सुखदी करोति स्वर्गम प्राय तदु भवती प्रसादा लोगो ते फलदा ननु देवी तेन। देवी आपकी कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली। दुर्गे स्मिता हर्ष भीति मशेष जंतो स्वस्थ स्मिता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र दुख वैहारणी कात्व धन्या सर्वोपकार करनाय सदार्थ चित्ता। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणी का भाई हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद रहता हो। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। यह केवल माता जी के नाम की ही परम महिमा है कि यदि उनका नाम ऐसे ही अनायास ही उच्चरित हो जाए तभी वो सभी प्रकार के मनोवांछित फलों को दे देती है, परंतु यदि इसका विधि पूर्वक स्मरण किया जाए, जाप किया जाए तो अनंत फल है। कौशल देश में देवदत्त नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था जो निस्संतान था, अतः उसने संतान प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्ठि यज्ञ कराना प्रारंभ किया। इसमें उसने तमसा नदी के तट पर यज्ञ वेदी बनाई और विद्वान ब्राह्मण तथा ऋषियों को बुला करके यज्ञ प्रारंभ किया। इसमें गोविंद ऋषि जी सामवेद का पाठ कर रहे थे, पाठ करते करते उनका स्वर भंग हो गया और देवदत्त जो यज्ञ का यजमान था वो क्रोधित उठा और ऋषि को कहने लगा कि महाराज, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहा हूँ और आपने इसमें स्वर भंग कर दिया। इससे गोविंद ऋषि क्रोधित हो गए और कहने लगे कि देखिए पाठ कठिन है और इसमें जो
श्वास के आने जाने से स्वर भंग हो सकता है, परंतु आपने इस यज्ञ में क्रोध किया है, इसलिए आप इस यज्ञ के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वह शठ होगा, महामूर्ख होगा। तब देवदत्त चिंतित हो गया और प्रार्थना करने लगा कि महाराज, मैं पहले ही पुत्रहीन हूँ, और फिर यदि मेरे साथ पुत्र होगा तो वो दुर्बुद्धि होगा, बुद्धिहीन होगा, शठ होगा, मूर्ख होगा, इसलिए आपने कैसा श्राप दे दिया है, क्योंकि जो मूर्ख पुत्र है उसको जो राजा के द्वार में उसका राज सम्मान नहीं होता, भले ही पुरुष कुशा के चट से जो श्राद्ध करवा ले, परंतु मूर्ख ब्राह्मण से श्राद्ध नहीं करवाना चाहती, उसको आसन त्याग नहीं दिया जाता है, इसलिए आपने क्या जो श्राप दे दिया है। जिस प्रकार वो देवदत्त कह रहा है कि जो दुर्जनों की जो संपत्ति होती है वो दुर्जनों के उपकार के लिए होती है, जिस प्रकार जो नीम का जो फल है उसको केवल कौए ही खाते हैं, आपने कैसा श्राप दे दिया। तब वो उनके चरणों में गिरा, और जो महान पुरुष होते हैं भले ही वो पत्थर से कठोर होते हैं परंतु तो फूल से कोमल भी होते हैं, जिस प्रकार जो अग्नि के संयोग से जल गर्म हो जाता है परंतु जैसे ही अग्नि का संयोग हटता है वो पुनः शीतल हो जाता है, ऐसे ही महान पुरुष होते हैं। उन ऋषि का मन दया से भर आया, उन्होंने कहा कि यद्यपि तेरा पुरुष जो पुत्र मूर्ख होगा परंतु वो बाद में विद्वान हो जाएगा। इस प्रकार का पुनः आशीर्वाद सुनकर के देवदत्त प्रसन्न हो गया, और समयानुसार उसकी पत्नी रोहिणी नक्षत्र में युक्त जो एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका देवदत्त ने जो उत्तथ्य नाम रखा, और 8 वर्ष का होने पर उसका यज्ञ भी संस्कार किया और ऋषि आश्रम में गुरु आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा, परंतु वो वहाँ पर जब गुरु जी उसको वेद पढ़ाते थे, संध्या वंदन सिखाते थे, गायत्री मंत्र बतलाते थे, वो चुपचाप बैठा रहता था, मूर्ख की भांति कुछ नहीं बोलता था, गूंगा ऐसे बना रहता था, जिससे सभी जो आसपास जो गांव में नगर में ऐसी चर्चा होने लगी कि देवदत्त का जो पुत्र है वो मूर्ख है। माता पिता भी कहने लगे भले ही हमारा पुत्र पंगु होता परंतु जो इस प्रकार का जो मूर्ख पुत्र होना ठीक नहीं है। तब जब उसके मन जो उसने ये सुना तो वो चुपचाप एक दिन घर से निकल गया और गंगा के किनारे उसने कुटिया बना ली, और वहाँ पर ये व्रत रखा हुआ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। वो वहाँ रहने लगा, सत्य बोलता था परंतु उसको किसी प्रकार का मंत्र नहीं आता था, वो बिना मंत्र बोले स्नान कर लेता था, जंगल से फल ला करके कौन सा फल खाना नहीं खाना है ऐसे खा लेता था, और मन में विचार करता था कि पूर्व काल में मैंने किसी को पुस्तक जो लिख कर नहीं दी, कोई साधुओं की सेवा नहीं की, इसलिए मैं इस जन्म में जो मूर्ख हुआ हूँ। जिस प्रकार दूध ना देने वाली गाय, वृक्ष जो फल रहित जो है वृक्ष, बंध्या स्त्री, ये सभी निष्फल होते हैं, ऐसे ही मेरा जन्म भी निष्फल हो गया है, ऐसा मन में विचार करता हुआ रहता था। और 14 वर्ष उसने उस वन में व्यतीत कर दिए, ये सोचते हुए कि कब मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसे कालक्षेप कर दिया। एक दिन जब वो अपने आश्रम में बैठा था तो एक शिकारी ने एक पशु को वान लगाया था, और वो उस वान से रक्त से लथपथ हुआ उसके आश्रम की परिधि में पहुंचा, और जब उतथ्य ने जिसको सत्य बोलने के बाद सत्यव्रत नाम की ख्याति प्राप्त हुई थी देखा कि ये दया के भाव से उस रक्त से लथपथ हुए पशु को देख करके उसके मुख से दया के भाव से ऐ अक्षर उच्चरित हो गया। यद्यपि ये नहीं जानता था कि सरस्वती का बाग बीज है, और वो पशु भी उसके आश्रय की परिधि में कहीं छुप गया। उधर जो व्याध है वो वहां पर पहुंचा और उसने उनको देखा सत्य तवा मुनि को, और कहा कि मेरे द्वारा बिंदा हुआ जो पशु है जानवर आपके आश्रम में आया हुआ है, यदि वो आपको मालूम है तो मुझे बता दीजिए क्योंकि आप सत्य बोलते हैं। उस समय सत्यव्रत मन में विचार करने लगा, यदि मैं इसको सत्य बता देता हूँ तो ये भूख से व्याकुल है, इसका परिवार भी भूख से व्याकुल है, जो उसको मार देगा, और यदि मैं नहीं बताता हूँ तो मेरा सत्यव्रत भंग हो जाएगा, अब मैं क्या करूँ। असमंजस में थे सत्यव्रत जी, तब उनके मुख से जो अनायास जो ऐ अक्षर उच्चरित हो गया था उसके बल से सभी जो विद्या हैं उनमें प्रस्फुट हो गई, जिस प्रकार वाल्मीकि जी कवि बन गए थे। उस समय उन्होंने बोला कि या ब्रूते सारा पश्यति, और या पश्यति सारा ब्रूते, अहो व्याद स्वकारर्थन किंग पृच्छसि पुनः पुनः। अव्याद जो आंख देखती है ये बेचारी बोल नहीं सकती, कैसे बताएगी, और ये जिब्बा बोलती है, इसने उसको देखा नहीं है, तब मैं क्या कहूँ अपने जो कार्य की सिद्धि के। व्याद आप क्यों बार बार मुझे पूछते हो। तब व्याध जो सत्य मान करके अपने आश्रम में चला गया और उस पशु की रक्षा हो गई। तब उस सत्यव्रत ने उन्होंने विधि पूर्वक इसका जाप किया मंत्र का,
और वो बड़े विद्वान हुए, चारों उनकी ख्याति फैल गई, जहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसको लेने आइए। कहने का तात्पर्य है कि माता जी के नाम का यदि अनायास ही उच्चारण हो जाए तो कई प्रकार के फल देती हैं, और यदि इसका विधि पूर्वक उच्चारण स्मरण किया जाए उसका अनंत फल है। और ऐसा भी इससे मिलता है कि जिन भक्तों ने पूर्व काल में माता की आराधना की है वही जन्म में सुखी देखे जाते हैं, वही विद्वान देखे जाते हैं, और जो इससे वंचित हैं वो दुख रूपी समुद्र में डूबे देखे जाते हैं। अतः हमें विधि पूर्वक माता जी के नाम का जाप उच्चारण स्मरण करना चाहिए। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आयुनी के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदि काल से इस दिव्य गुफा में आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, उपाय के तीन स्वरूप और इनके चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, चनावन ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुकता प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र, बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चारण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चारण से धन ऐश मिलता है, क्लीं के चारण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्चे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता चरण बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे बिच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे बिच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे बिच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरा वाली दा बोल सत्य दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं तो अपने मन में सुन रहे माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री सुरेश जी से अपनी मधुर वेण प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश। जय कर शिरावली मेज बोल सच्चे दरबार की जय। मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनो मना के कीले, असा जगनो मना के मेरे मन बिच मैया बस जाए असा जगनो बसा के जान
ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਓ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਓ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਚ ਬਸਾ ਕੇ ਮਈਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਮਈਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸ ਜਗਤ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਗਤ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਗਤ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਮਨ ਜਾਏ ਅਸਾਂ ਜਗ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਮਨ ਜਾਏ ਅਸਾਂ ਜਗ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਸਦਾ
वली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। एक भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जय कर I
कुल दुनिया दी मालिक तुम्हीं हो मैया पाग जगा दे मेरे मैया पाग जगा दे चरना दे विच बह के मिलना प्यार दाती दा चरना दे विच बह के मिलना प्यार दाती दा ओ चरना दे विच बह के मिलना प्यार दाती दा ओ चरना दे विच बह के मिलना प्यार दाती दा दिया जो भगतो कर लो ए दीदार दाती दा जो भगतो कर लो ए दीदार दाती दा दिया जो भगतो कर लो ए दीदार दाती दा जो भगतो मिलना प्यार दाती दा चरना दे विच बैके मिलना प्यार दाती दा दिया जो भगतो कर लो दीदार दाती दा जो भगतो कर लो ए दीदार दाती दा दिया जो भगतो कर लो ए दीदार दाती दा जो भगतो कर लो ए दीदार दाती दा मिल सारे अज ताड़िया बजा लवो ताड़िया बजा लवो ताड़िया बजा लवो ओ ताड़िया बजा लवो ताड़िया बजा लवो ताड़िया बजा लवो ताड़िया बजा लवो ओ शेरा वाली मैया दिया बेटा अज गा लवो बेटा अज गा लवो हाँ बेटा अज गा लवो ओ बेटा अज गा लवो बेटा अज गा लवो बेटा अज ਦਰਸਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਏ ਸਤਕਾਰ ਦਾਤੀ ਦਾ ਦਰਸਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਏ ਸਤਕਾਰ ਦਾਤੀ ਦਾ ਮੀਆਂ ਜੋ ਪੱਕੋ ਕਰ ਲੋ ਏ ਦੀਦਾਰ ਦਾਤੀ ਦਾ ਭਗਤੋ ਕਰ ਲੋ ਦੀਦਾਰ ਦਾਤੀ ਦਾ ਭਗਤੋ ਕਰ ਲੋ ਦੀਦਾਰ ਦਾਤੀ ਦਾ ਓ ਨੱਚ ਨੱਚ ਮਾਦਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵੋ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵੋ ਅੱਜ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵੋ ਓ ਨੱਚ ਨੱਚ ਮਈਆ ਦਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵੋ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵੋ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵੋ ਓ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵੋ ਮਾਨੂ ਮਨਾ ਲਵੋ ਮਾਨੂ ਮਨਾ ਲਵੋ ਮਾਨੂ ਮਨਾ ਲਵੋ ਉਹ ਦਾਤੀ ਦੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾ ਲਵੋ ਮਾਨੂ ਰਹਾ ਲਵੋ ਰੂਹਾਨੂੰ ਰੰਗਾ 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 ਲਵੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੱਜਿਆ ਏ ਦਰਬਾਰ ਦਾਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੱਜਿਆ ਏ ਦਰਬਾਰ ਦਾਤੀ ਦਾ ਮੀਆਂ ਜੋ ਭਗਤੋ ਕਰ ਲੋ ਏ ਦੀਦਾਰ ਦਾਤੀ ਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾਤੀ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾਤੀ ਦਾ ਭਗਤੋ ਕਰ ਲੋ ਏ ਦੀਦਾਰ ਦਾਤੀ ਦਾ ਭਗਤੋ ਕਰ ਲੋ ਏ ਦੀਦਾਰ ਦਾਤੀ ਦਾ ਮੀਆਂ ਜੋ ਭਗਤੋ ਕਰ ਲੋ ਦੀਦਾਰ ਦਾਤੀ ਦਾ ਭਗਤੋ ਕਰ ਲੋ ਦੀਦਾਰ ਦਾਤੀ ਦਾ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆਰ ਦਾਤੀ ਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆਰ ਦਾਤੀ ਦਾ ਮੀਆਂ ਜੋ ਭਗਤੋ ਕਰ ਲੋ ਦੀਦਾਰ ਦਾਤੀ ਦਾ ਭਗਤੋ ਕਰ ਲੋ ਦੀਦਾਰ ਦਾਤੀ ਦਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ
ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਲਵੋ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਲਵੋ ਮਾਂ ਜੋ ਲਵੋ ਓ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਲਵੋ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਲਵੋ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਲਵੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਓ ਮਾਂ ਦੇ ਚਕਾਰੇ ਅੱਜ ਨਾਲੋ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾਲੋ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾਲੋ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਓ ਲਾਲੋ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮਾਂ ਲਾਲੋ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾਲੋ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮਾਂ ਲਾਲੋ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਓ ਜੈਮਾ ਜੈਮਾ ਆਖ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾਦੀ ਦਾ ਚਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜੀਆ ਜੋ ਭਗਤੋ ਕਰ ਲੋ ਦੀਦਾਰ ਦਾਦੀ ਦਾ ਆਜੋ ਭਗਤੋ ਕਰ ਲੋ ਦੀਦਾਰ ਦਾਦੀ ਦਾ ਚਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆਰ ਦਾਦੀ ਦਾ ਚਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆਰ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜੀਆ ਜੋ ਭਗਤੋ ਕਰ ਲੋ ਦੀਦਾਰ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਇੱਕ ਬਿਨ ਪੁੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਮੇਰੀ ਅੰਬੇ ਰਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਏਗਾ 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 ਫੁੱਲੇ ਹੈ ਭੰਡਾਰੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਗੰਦ ਪਾਏਗਾ 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 ਮੇਰੀ ਅੰਬੇ ਰਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਮੇਰੀ ਅੰਬੇ ਰਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਏਗਾ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੋ ਵਾਰ ਰਾਤ ਆਏਗੀ ਵਰ ਰਾਤ ਆਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਰਹਿ ਡਰ ਗਏ ਕਿਸੇ
दुनिया में वह डर खाएगा, किसी से न दुनिया में वह डर खाएगा, किसी से न दुनिया में वह डर खाएगा। मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। झूठे संसार में जो कर्म के भोग है, कर्म के भोग, झूठे संसार में जो कर्म के भोग है, सभी लोग रहते सभी लोग, किसी से तो दुखी दुखी रहते सब लोग हैं, रहते सब लोग हैं। चमन माता दास कभी ना गब जाएगा, चमन माता दास कभी ना गब जाएगा, चमन माता दास कभी ना गब जाएगा, चमन माता दास कभी ना गब जाएगा। मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, मेरी अम्बे रानी सहस्र कांति मरुण क्षोमां शिरो मालिकां रक्तालिप्त पयोधरां जववडीं विद्याभवीतिं वरं हस्ताब्जैधरतीत नेत्र विरसत् वक्त्रारविन्दशयं देवीं बद्धिमांचुरत्त मुकुटां बन्देरविन्दसितां सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांगन में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी है। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्तादित्या रुद्रावसवः समिन्धतान् पुनर्ब्रह्मानो वसुदीत जज्ञेहि वितेन त्वं तन्नम् वर्धयस् सत्या सन्तु जजमानस् कामः। मन्त्रार्था सफला सन्तु, पूर्णा सन्तु मनोरथा, शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु, मित्राणाम् उदयस्तव, क्षीरवर्चस् आयुष्यमारोग्यमाविदात्। शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धान से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर भी आरती है, सभी बोलिएगा। ओम जय अम्बे गौरी भैया जय जामा गौरी भैया जय मंगल गरणी भैया जय आनंद गरणी तुम को निशि न जाव भैया जी को निशि न जाव हरि ब्रह्मा शिव हरि ओम जय अम्बे गौरी भागत दूर विराज भैया जी को ओ जल से दो नैना ओ जल से
क्षमा करो अपराध शरण माया हूँ माता वैष्णो दासी सजाया हूँ ओ माता वैष्णो दासी सजाया हूँ ज्ञानोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली दास बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। वे इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती आप सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी। चल मिल बोलो जय माता दी। आवे मिलो जय माता दी। संध्या बेला जय माता दी। आरती बेला जय माता दी। आप बोला दी जय माता दी। 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 दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम। देहि मे परमं सुखम। देहि मे परमं सुखम। रूपं देहि जयं देहि। रूपं देहि जयं देहि। यशो देहि दिशो जहि। यशो देहि दिशो जहि। सर्वमंगल मंगल्ये। सर्वमंगल मंगल्ये। शिवे सर्वार्थ साधिके। शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी। शरण्ये त्र्यंबके गौरी। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ। शरणागत दीनार्थ। परित्राण परायणे। परित्राण परायणे। सर्वस्यार्ति हरे देवी। सर्वस्यार्ति हरे देवी। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे। सर्वस्वरूपे सर्वेशे। सर्वशक्ति समन्विते। सर्वशक्ति समन्विते। भयवस्त्राहिनो देवी। भयवस्त्राहिनो देवी। दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वाबाधा प्रशमनम्। सर्वाबाधा प्रशमनम्। त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी। त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी। एवमेव त्वया कार्यम्। एवमेव त्वया कार्यम्। अस्मत्
अस्मद्वैरी विनाशनम् अस्मद्वैरी विनाशनम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी।
साधु केशवम् अचल परशं गणेश पुरुषं परमं गणपुण्डिकां शक्तिमसं चरम जलजं घण्टासुरा वाजनं शूरं पातुसुधर्दये च सरति भक्ते प्रसन्नानां भारत माता की जय भारत माता की जय सच्चे जय